नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया है। मेरठ में एसटीएफ ने अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खूंखार गैंगस्टर, जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ को थी, मेरठ में अनिल दुजाना और यूपी एसटीएफ का आमना सामना होता है, जिसके बाद दोनों की तरफ से फायरिंग होती है और अनिल दुजाना की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि अनिल दुजाना पर 18 मर्डर, रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाने समेत 62 केस दर्ज हैं। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था और इसी गांव से अनिल दुजाना भी ताल्लुक रखता है। आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में अनिल दुजाना को बंद भी किया गया था, लेकिन पिछले दिनों वो जमानत पर रिहा हो गया था, जिसके बाद फिर उसके खिलाफ शिकायत मिलना शुरू हुई थी। यूपीएसटीएफ की टीम लगातार अनिल दुजाना को पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही थी और अब अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है, दुजाना गांव का रहने वाला है अनिल दुजाना, जो कि एक शातिर गैंगस्टर है। इसका अपना अलग गैंग है। पहले ये सुंदर भाटी के लिए काम कर चुका है। इस पर हत्या, अपहरण जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार ने जिन 61 गैंगस्टर की लिस्ट जारी की है, उनमें अनिल दुजाना भी शामिल था। गौतम बुद्ध नगर से 7 माफियाओं के नाम थे: सुंदर भाटी, अनिल भाटी, सिंहराज सिंह भाटी, अमित कसाना, रणदीप भाटी, मनोज उर्फ आसे और अनिल दुजाना। गौतम बुद्ध नगर में दर्ज 7 माफियाओं में से एक अनिल दुजाना मारा गया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में माफिया के खात्मे का सिलसिला जारी है। जो लिस्ट जारी की उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें इन 7 माफियाओं के भी नाम थे, जिसमें से अनिल दुजाना को आज मेरठ में ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये कुख्यात गैंगस्टर, जिस पर 62 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, अपहरण, लूट, हत्या, जमीन पर कब्जा छुड़ाने जैसे मामले अनिल दुजाना पर दर्ज हैं, इसे आज यूपीएसटीएफ ने ढेर कर दिया है। मेरठ में यूपीएसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो जिस तरीके से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में जो तमाम गैंगस्टर हैं, वो अब यूपी पुलिस के निशाने पर हैं, उन्हीं में से एक अनिल दुजाना, जिसे आज ढेर कर दिया गया है। अभय पाराशर मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल अभय, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या जानकारी मिल रही है, कब ये ऑपरेशन हुआ है और किस तरीके से यूपीएसटीएफ को सफलता मिली है? देखिए बिल्कुल प्राची, मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले ये एनकाउंटर हुआ है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर हुआ है और अनिल नागर इस गैंगस्टर का पूरा नाम है। और क्योंकि जो इसका गांव है दुजाना गांव इसका पड़ता है, बादलपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, बादलपुर एक थाना पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। पुलिस को ये जानकारी मिल रही थी, अभी मैं आपको बता दूं कुछ ही समय पहले ये पेरोल पर बाहर आया था। इसके ऊपर तकरीबन 70 मुकदमे दर्ज हैं और खास तौर पर हत्या, रंगदारी, लूटपाट, रॉबरी, जिस तरीके से हम देखते थे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबसे पहले जिस तरीके की वारदातें होती थी, रॉबरी होती थी गन पॉइंट पर, उसमें सबसे ज्यादा शामिल रहता था अनिल दुजाना, जिसका पूरा नाम अनिल नागर है। और एसटीएफ इसकी लगातार तलाश कर रही थी, पेरोल इसने जंप की थी। अभय, आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त वो लिस्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो कि यूपी सरकार ने जारी की थी। और इस लिस्ट में अगर हम अनिल दुजाना की बात करें तो 42वें नंबर पर अनिल दुजाना का नाम लिखा गया था, बाकायदा उसकी डिस्ट्रिक्ट भी लिखी गई थी। बादलपुर का रहने वाला है, बादलपुर के दुजाना गांव का रहने वाला है। और जैसा कि अभय अभी जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 70 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था लेकिन पेरोल पर बाहर आया हुआ था। इसके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी और यूपीएसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी अनिल दुजाना की, जिसका आज आमना सामना यूपीएसटीएफ से हुआ और अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। अभय, एक बार फिर से, जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कहती है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और बाकायदा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अब एक एक करके माफियाओं का खात्मा, उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चय नाबूद किया जा रहा है। और अनिल दुजाना जो है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और इसके बारे में एक बात आपको बताऊं कि इसके ऊपर अक्सर कई बार इस तरीके के थ्रेट रहते थे कि कोर्ट में पेशी की जब इसकी कराई जाती थी अनिल दुजाना की, तो इसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी। इसके अलग अलग गैंगस्टर से इस तरीके के लगातार इनपुट्स मिलते थे कि कोर्ट के में पेशी के दौरान जो राइवल गैंग है वो इसके ऊपर हमला कर सकता है, इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर इसे कोर्ट में ले जाया जाता था। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दिल्ली,
आउटर दिल्ली में तमाम मुकदमे इसके ऊपर रॉबरी, रंगदारी, हत्या और फिरौती के इसके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे थे। ये तिहाड़ जेल में रहा है, ये गौतम बुद्ध नगर में जेल में रहा है और अभी हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले ये पेरोल पर बाहर आया था, लेकिन उसके बाद ये लगातार फरार चल रहा था, इसने पेरोल जंप कर दी थी। आज यूपीएससीएफ को ये जानकारी मिली कि मेरठ के अंदर ये छिपा हुआ है और इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बाद यूपीएससीएफ की टीम इसे लगातार ट्रेस कर रही थी। इसकी जैसे ही लोकेशन का पता लगा, ये बताया जा रहा है, हालांकि अभी शुरुआती जानकारी ये बताई जा रही है कि इसे जब एसटीएफ की टीम ने रोका तो रोकने के बाद इसने पुलिस के ऊपर फायर किया और फायर करने के दौरान जब पुलिस ने इसके ऊपर लगातार फायरिंग की उस दौरान ये मारा गया है। अभी इतनी जानकारी मिली है, अब से तकरीबन आधे पौने घंटे पहले ये एनकाउंटर हुआ है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में और फिलहाल एसटीएफ के जो तमाम अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, मेरठ में ही मौजूद हैं। अब इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, लेकिन 70 से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे थे और जैसा कि प्राची आपने वो लिस्ट दिखाई है, ये एक बड़ा माफिया था। गौतम बुद्ध नगर में खासतौर पर अगर हम बात करें, इसकी एक दहशत हुआ करती थी एक जमाने में, लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ खास तौर अगर मैं आपको बताऊं, परी चौक, कासना, इस तरफ रात में जाने में लोग डरते थे। इसके ऊपर तमाम मुकदमे थे, गन पॉइंट पर गाड़ी लूट लेना और लूटपाट, फिरौती, तमाम तरीके के इसके ऊपर मुकदमे ना केवल दिल्ली एनसीआर में थे, मेरठ में इसके ऊपर कई सारे मुकदमे थे और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एसटीएफ को मिली थी जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया और आज अब से आधे पौने घंटे पहले मेरठ में इसे मार गिराया गया है। अब से थोड़ी बहुत देर में यूपीएसटीएफ की जो टीम है वो और ज्यादा जानकारी इसमें शेयर कर सकती है। प्राची बिल्कुल, अभय देखिए, अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 7 माफिया थे जो लिस्ट में शामिल थे, जिनमें से 6 जेल में बंद है और ये 7वां अनिल दुजाना जो लगातार फरार चल रहा था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। अब माना जाए कि एक एक करके जितने भी माफिया हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं, उन पर भी ऐसा ही शिकंजा कसा जाएगा यूपी पुलिस की तरफ से। देखिए बिल्कुल लग यही रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें यूपीएसटीएफ पिछले काफी समय से लगातार जो बड़े माफिया हैं, बड़े गैंगस्टर हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी थी और साफ तौर पे यही निर्देश था कि या तो जो गैंगस्टर हैं वो खुद ही सरेंडर कर दें, लेकिन अगर वो फरार होंगे और पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो वो एनकाउंटर में इसी तरीके से मारे जाएंगे। और ये एग्जांपल है जिस तरीके से हम आपको बता दें पिछले कुछ ही समय में लगातार एनकाउंटर जो है वो यूपीएसटीएफ की टीम जो है कर रही है। हमने देखा अतीक अहमद वाले केस में जब असद फरार चल रहा था, मोहम्मद गुलाम फरार चल रहा था, उनको तलाशा गया लेकिन जब उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया तो एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया गया झांसी में। और अब जो अनिल दुजाना है जिसका नाम अनिल नागर है, ये लगातार फरार चल रहा था और एसटीएफ को ये जानकारी मिल रही थी कि मेरठ या मेरठ के आसपास ये कहीं छिपा हो सकता है। उसके बाद इसे ट्रेस किया गया, इसकी रेकी लगातार की गई कि इसकी इंफॉर्मेशन कहां कहां पर है, इसकी लोकेशन जहां पर आ रही थी, जो इन्फॉर्मर्स थे यूपीएसटीएफ के वो लगातार जानकारी दे रहे थे कि अनिल दुजाना इस वक्त मेरठ में मौजूद है, स्पेसिफिक लोकेशन इसकी बताई गई, जिसके बाद इसे ट्रेस किया गया, चारों तरफ से घेरा गया, इसे रुकने के लिए कहा गया और ये भी बताया जा रहा है इसकी कुछ मदद भी कुछ लोग कर रहे थे, उनके बारे में और ज्यादा जानकारी अब से थोड़ी देर में यूपीएसटीएफ शेयर कर सकती है। लेकिन ये बताया जा रहा है जैसे ही अनिल दुजाना को देखकर यूपीएसटीएफ ने रुकने का इशारा किया तो इसकी तरफ से इसके पास से एक पिस्टल भी थी। बिल्कुल देखिए अब है, यानी गैंगस्टर चाहे कैसा भी हो उस पर अगर मुकदमे हैं, अगर वो खूंखार है तो उससे नेस्ता नाबूद उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, क्योंकि जब असद का एनकाउंटर हुआ था अब है तो हमने देखा था कि कई तरीके के आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए गए थे, खूब सियासत हुई थी और धर्म का एंगल ढूंढा गया था। लेकिन अब जब अनिल दुजाना को भी इसी तरीके से मार गिराया गया है तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो सवाल हैं ये भी खत्म होंगे और उत्तर प्रदेश की जो एक स्पष्ट नीति है सरकार की कि गैंगस्टर कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इस पर भी मुहर लगेगी। देखिए बिल्कुल तमाम नाम है प्राची, अगर हम लिस्ट पे गौर करेंगे जो यूपीएसटीएफ ने जारी करी है उसमें तमाम ऐसे नाम है जो लोग तमाम एनकाउंटर्स को अलग अलग धर्म के चश्मे से देख रहे थे, उन्हें भी ये खबर जो है वो देखनी चाहिए कि किस तरीके से अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। और यही नहीं, ऐसे तमाम माफिया हैं जिनके खिलाफ एलओसी जारी हो रखी है, खासतौर पे जो यूपी खासतौर पे मेरठ और आसपास के इलाकों से फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ एलओसी जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। कई माफियाओं का हमने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर उनकी जो अवैध संपत्ति थी उन पर चला, तो अब अनिल दुजाना को मार गिराया गया है और इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि इसकी मदद जो है वो कुछ लोगों ने इसे छिपने में मदद की थी, उनकी तलाश भी इस वक्त यूपीएसटीएफ कर रही है। और अब से ये बताया जा रहा है पौने घंटे के आसपास मेरठ के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है, किस लोकेशन पर हुआ है, किन हालात में एनकाउंटर हुआ है, वो तमाम जानकारी अब से थोड़ी देर में यूपीएसटीएफ एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर सकती है। अभी ये जानकारी मिल रही है कि इसे छिपाने में, इसकी मदद करने में इसके कुछ और साथी मेरठ के आसपास थे जिन्होंने इसे
पनाह दी हुई थी उनकी भी इस वक्त तलाश की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ अनिल के साथ एक और शख्स था, ऐसी जानकारी अभी शुरुआती तौर पर सुनने में मिल रही है। फिलहाल यूपीएसटीएफ ने इस एनकाउंटर को किया है और अब एनकाउंटर करने के बाद यूपीएसटीएफ लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो बाकी के इसके कुछ साथी हैं जिन्हें छिपाने में मदद की थी उसको उनको ही तलाश की जा रही है। और अब से थोड़ी बहुत देर में पोस्टमार्टम कराया जाएगा और कहां कहां ये छिप रहा था, क्योंकि ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में तमाम इसके ऊपर मुकदमे हैं, उन सारी चीजों को बिल्कुल कितना खूंखार है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 70 मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। पेरोल पर बाहर था लेकिन पेरोल खत्म होने के बावजूद ये वापस जेल में नहीं गया था, जिसके बाद इसकी तलाश की जा रही थी। रुचि कुमार मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, देखिए जो एक बात लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कही जाती है कि धर्म देखकर यहां पर माफियाओं को टारगेट किया जाता है, अब कहीं ना कहीं वो बात भी हवा हवाई साबित होगी, क्योंकि चाहे असद हो चाहे अनिल दुजाना हो, अगर आप कानून को तोड़ेंगे, अगर आप गैंगस्टर बनेंगे, आप माफिया बनेंगे, तो आपको भी उसी तरीके से खत्म किया जाएगा जैसे असद को खत्म किया गया। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो पुलिस की यूपीएसटीएफ की 60 टीमें लगी हुई थी, करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की जा रही थी अजय दुजाना के लिए। ये भी कहा जा रहा था कि ये नेपाल भाग सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टीम्स अलग अलग जगह पे अलर्ट थी। और अनिल दुजाना उसके ऊपर 75,000 का इनाम रह चुका है, 62 से ज़्यादा मुकदमे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी जब वो जेल के बाहर आया था तो उसने जो जयचंद प्रधान की हत्या की थी जिसका आरोप था, उसकी पत्नी को धमकाया था। तो अभी हाल फिलहाल में 2 नए मुकदमे दर्ज हुए थे और पुलिस बहुत तेजी से इसकी तलाश कर रही थी अनिल दुजाना की। एसटीएफ लगी थी, अब ये एनकाउंटर हो गया है, तो बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को लगी है कि इतने बड़े अपराधी जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि शायद अनिल दुजाना नेपाल भाग गया है, लेकिन उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अब मुठभेड़ क्यों करनी पड़ी इसकी डिटेल्स अभी पुलिस शेयर नहीं कर रही है। उनका कहना है कि शुरुआती जानकारी है कि मुठभेड़ में अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। जी प्राची बिल्कुल, देखिए अनिल दुजाना का भी खात्मा हो गया है, खूंखार अपराधी जो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था और यूपी एसटीएफ लगातार उसकी तलाश कर रही थी। मेरठ में ये ऑपरेशन यूपी एसटीएफ का कामयाब हुआ है। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी। विशाल, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जब से बयान दिया है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तभी से लगातार एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहे हैं, चाहे अतीक अशरफ हो, चाहे असद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इन सबका हिसाब हो रहा है, तो हिसाब अनिल दुजाना का भी हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत डराया, बहुत सताया। प्राची, अनिल दुजाना के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक शुमार था अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। दोनों गैंगों में बड़ी राइवलरी की बात भी सामने आ रही है और बात यह भी पता चल रही है कि सुंदर भाटी पर AK-47 से एक वक्त हमला किया था अनिल दुजाना ने, इतना कुख्यात था वो। आर्म्स एक्ट के मुकदमे हो, रंगदारी मांगने के मुकदमे हो, कुल 62 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे, यानी कि हीनियस क्राइम के 62 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे और 75,000 रुपए का वो इनामी भी था उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। 2012 में वो जेल में गया था और 2021 में, यानी करीबन 9 साल सुंदर अनिल दुजाना लगभग जेल में बंद था, और अभी 2021 में जब वो जेल से छूट करके आया था उसके बाद से कई मामलों में बताया जा रहा था कि उसकी तलाश यूपी पुलिस कर रही थी, लेकिन लगातार वो पुलिस को चकमा देने में फरार हो रहा था। और अब से कुछ देर पहले, चूंकि आज का दिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि निकाय चुनाव में 37 जिलों में आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग की जा रही है, और वोटिंग के दिन यूपी पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि मेरठ के एक गांव में अनिल दुजाना किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाला है। पुलिस पार्टी वहां पहुंचती है, एसटीएफ घेराबंदी करती है और एसटीएफ जब उसको ललकारती है, अनिल दुजाना उस दौरान फायरिंग करने से नहीं चूकता है और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके वहां से भागने की कोशिश करता है। जवाबी फायरिंग में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो यूपी एसटीएफ की टीम है उसका नेतृत्व डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी कर रहे थे, और डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन बताया जाता है कि अनिल दुजाना को जैसे ही रोका गया कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यूपी एसटीएफ ने उसको पूरी तरीके से घेर लिया है, राउंड अप कर लिया है, लेकिन अनिल दुजाना बिल्कुल नहीं रुकता है, पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता है और उसके बाद जब यूपी एसटीएफ जवाबी फायरिंग करती है
है तो अनिल दुजाना को गोली लगती है और अनिल दुजाना को अस्पताल लेके जाया गया है जहां डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो माफियाओं को लेकर के एक अपनी बात कही थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो माफिया कोई भी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उसका जिस तरीके से ध्वस्त किया गया साम्राज्य को, चाहे वो अतीक अहमद हो, अशरफ हो या दूसरा कोई भी माफिया हो, अनिल दुजाना ही क्यों ना हो, सभी माफियाओं के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश में कार्रवाई जारी है। और चूंकि आज उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए, नगर निगम के लिए वोट भी पड़ रहे हैं, ऐसे दिन में, महत्वपूर्ण दिन में, एक बड़े आपराधिक गिरोह के जो सरगना है अनिल दुजाना, उसका एनकाउंटर हो जाना अपने आप में दिखाता है कि यूपी पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशाल, आपने बताया कि कितना कुख्यात था, इस पर कार्रवाई होना कितना जरूरी थी। अब देखने वाली बात यह है कि इसे सियासत के चश्मे से देखती है, क्योंकि असद का एनकाउंटर हुआ, अतीक अशरफ की हत्या हुई, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई, इन तमाम घटनाओं में धर्म का एंगल ढूंढा गया। लेकिन जब अब अनिल दुजाना मारा गया है, तो क्या आप फिर से बयान दिए जाएंगे, क्या फिर से सवाल पूछे जाएंगे, या इस बार मौन देखने को मिलेगा हमें तमाम सियासी दलों की तरफ से? विशाल, बिल्कुल प्राची, अपने आप में कहा जाए कि विपक्ष ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए थे, न सिर्फ असद के और गुलाम के एनकाउंटर के दौरान, बल्कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई थी, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, उसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठाए गए थे। हालांकि आज भी निकाय चुनाव का दिन है, आज भी हमने जब जो लोग वोट डालने जा रहे थे, जब उनसे भी बातचीत की थी, तो लोग लगभग जो एनकाउंटर हुआ, चाहे हत्याकांड हुआ, उसको लेकर के सरकार से सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन विपक्ष ने सवाल जरूर उठाए थे। ये विपक्ष का निश्चित तौर पर एक अधिकार भी है, विशेषाधिकार भी है कि वो सवाल उठाना चाहे तो उठा भी सकती है, लेकिन लगातार अपराधियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई, लगातार अपराधियों के एनकाउंटर्स, और आज जब अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, जिसके ऊपर 62 से ज्यादा हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं, तो देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष इसको किस चश्मे से देखता है, और जिस तरीके से विपक्ष ने पहले सवाल उठाए थे, क्या विपक्ष आज भी वही सवाल उठाता है, यह देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा। लेकिन अनिल दुजाना का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज, देशभर के लोगों के लिए आज, क्योंकि जिस तरीके से 62 घटनाओं का आरोपी अनिल दुजाना आपसे कुछ देर पहले यूपीएसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मुठभेड़ में ढेर हुआ है, अपने आप में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में लोगों को प्रॉमिस किया था कि किसी भी माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई चलेगी, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अनिल दुजाना आपसे कुछ देर पहले मेरठ में एक एनकाउंटर में लगातार यूपीएसटीएफ को छकाने का काम कर रहा था, परेशान करने का काम कर रहा था। और जब आमना सामना आज यूपीएसटीएफ से अनिल दुजाना का होता है, तो उसका भी वही हाल होता है जो असद का हुआ था। जिस तरीके से उसे खत्म किया गया, ऐसे ही अनिल दुजाना को भी खत्म कर दिया गया है। अतुल भाटिया भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले इस मुठभेड़ के बारे में, इस एनकाउंटर के बारे में क्या कोई और जानकारी सामने आई है? कैसे आमना सामना हुआ यूपीएसटीएफ का और अनिल दुजाना का? क्या कोशिश की गई पुलिस की तरफ से कि पहले उसे सरेंडर करवा लिया जाए? क्या कुछ हुआ मौके पर, क्या डिटेल? देखिए, लगातार अनिल दुजाना की तलाश जो है वो जो एसटीएफ है वो कर रही थी। मैं आपको बताऊं कि जो एसटीएफ का ऑफिस है जो वेस्टर्न यूपी का, वो ग्रेटर नोएडा के अंदर ही है, और खुद राजकुमार मिश्रा जो कि डीएसपी हैं वो इसको हेड करते हैं। लगातार इसकी तलाश जो अनिल दुजाना की थी वो लगातार की जा रही थी, और पिछले कई दिनों से लोकेशन जो है वो मेरठ में अनिल दुजाना की मिल रही थी, और इसके बाद कई दिनों से जो एसटीएफ की टीम है वो मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में लगातार रेड्स कर रही थी, पकड़ने की कोशिश जो है वो अनिल दुजाना को की जा रही थी। और जिस तरीके से पैरोल जंप करने के बाद से जो दुजाना है वो लगातार फरार चल रहा था। प्राची, सबसे अहम बात यह है कि जब आपको पैरोल मिली है तो उसके बाद वापस आपको सरेंडर कोर्ट में या जेल के अंदर करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एसटीएफ को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी थी कि दुजाना, अनिल दुजाना जो है वो किसी बड़ी वारदात की फिराक में है, लगातार ट्रैक किया जा रहा था, और आज मेरठ के अंदर यह मुठभेड़ हुई है पहले, क्योंकि काफी हथियार जो है वो उसके पास थे, और अनिल एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर रहा है। जिस तरीके से वो फायरिंग करता है, सबसे खास दुश्मनी उसकी सुंदर भाटी गैंग से थी, कई बार हमला उसने सुंदर भाटी गैंग के ऊपर किया है, और इसके अलावा सुंदर भाटी गैंग ने जो है उसने भी अनिल दुजाना के ऊपर बिल्कुल कई हमले किए। एक एक करके सबका नंबर आएगा, ये तो अब स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो लिस्ट जारी की है योगी सरकार ने, उस लिस्ट के मुताबिक तमाम माफियाओं पर ऐसे ही शिकंजा कसा जाएगा। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तमाम गैंगस्टर, तमाम माफियाओं पर, और अब वो जीरो टॉलरेंस वाली नीति उत्तर प्रदेश में लागू होती हुई भी नजर आ रही है।